प्रबुद्ध जन संवाद में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज उज्जैन पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले भारत माता के दर्शन कर महाकाल मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन किया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर भाजपा की सरकार बनी तो रुद्रसागर में हवाई जहाज उतरने लगेंगे और महाकाल मंदिर के शिखर के ऊपर से 230 सीटर एयरबस उड़ेगी। जी हां, रविवार को उज्जैन आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ इसी तरह के सपने माधव सेवा न्यास में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद में दिखाए। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी की मदद से सब कुछ संभव है, बस काम करने वाला होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी हमला बोला और चुटकी लेते हुए कहा कि आजादी मिलने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी की अगुवाई में मनमोहन सरकार देश से गरीबी हटाने का नारा देती आई है, पर गरीबी नहीं हटी। अब पंडित जी का पोता राहुल गांधी कह रहा है कि देश में गरीबी हटाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो 50 सालों में नहीं कर सकी वो हमने 5 सालों में कर दिखाया है। यह हाईवे दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में जाएगा। मैं तो इंदौर से मनमाड तक 9000 करोड़ के रेलवे लाइन में शिपिंग मिनिस्ट्री से बना रहा हूं। अभी उसका एक काम अवार्ड भी हुआ है। यह रेलवे भी बना रहा हूं। मेरे कोर्ट में 7000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 1.5 गुना एफिशिएंसी बढ़ी। अब आप छोड़ दो, ये तो आपकी तो ये संतों की पवित्र भूमि है उज्जैन, पर आप गंगा में जाते हो।